हेलो फ्रेंड्स, सारिकास वेज किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी किचन में मिलकर बनाएंगे पनीर फ्राई मसाला। ये खाने में बहुत ही कुरकुरे होते हैं और बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आते हैं। आप इसे एज ए स्नैक्स भी बना सकते हैं और आप इसे एज ए स्टार्टर भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले पनीर लिया है। ये करीब 400 ग्राम पनीर है। अब हम इस पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। देखिए, इन पीसेस को आप छोटे बड़े कैसे भी अपनी पसंद के अनुसार शेप में काट सकते हैं। मैंने जो पनीर के पीस काटे हैं, देखिए वो इस तरीके से हैं, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े। अब इस तरीके से हम सारे पीसेस कर लेंगे पनीर के। हमारे पनीर के सारे पीसेस हो गए हैं। अब हम इन्हें एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें अब हम कुछ ऐड ऑन करेंगे मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक। नमक अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून भुनी हुई जीरे का पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे जो उसका जो कलर आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून हमने अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है इसमें। अब हम इन सभी मसालों को अच्छी तरीके से पनीर के साथ मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखना है, हमें इसे मिक्स करते समय बहुत ही सॉफ्ट हैंड से मिक्स करना है ताकि जो पनीर के जो पीसेज हैं वो टूट ना जाए। आप देख सकते हैं जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं इसमें पनीर में। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून लेमन जूस, 3 टेबलस्पून हमने इसमें डाला है कॉर्नफ्लोर और 3 टेबलस्पून ही हमने इसमें मैदा डाली है। आप इसकी जगह चाहे तो चावल के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन सभी को पनीर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमें इस तरीके से इसे मिक्स करना है कि जो उस पर जो पनीर के पीसेस पे इसकी अच्छी तरीके से कोटिंग हो जानी चाहिए। देखिए, अच्छी तरीके से कोट हो गए हैं अभी। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसको हम हल्का सा हाथ से क्रश कर लेंगे और तब डालेंगे। इसका जो फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा आता है इसमें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे। देखिए, पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना, केवल थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि उतना ही कि जिसमें जो पनीर पर जो मसालों की जो कोटिंग है वो अच्छी तरीके से हो पाए। देखिए, पनीर पे जो मसाला वो बिल्कुल ही अच्छी तरीके से लग गया है। देखिए, तो चलिए अब हम इसे फ्राई करने के प्रोसेस पे चलते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें एक एक पनीर का पीस डाल देंगे। हमें इसे जो फ्राई करना है वो मीडियम फ्लेम पे ही करना है। देखिए, इसे हम 2 से 3 मिनट तक इसे बिल्कुल टच नहीं करेंगे क्योंकि जो पनीर है वो सॉफ्ट होता है। इसे थोड़ा सा सिक जाने देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको एक एक करके अब हम इन्हें पलट लेंगे। देखिए, ये खाने में बहुत ही कुरकुरे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। अब हम इन्हें जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से सिक गए हैं ये। अब हम इन्हें एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, हमारे सारे अच्छी तरीके से सिक चुके हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट बैच भी फ्राई कर लेते हैं। हमने सारे पनीर को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बट इसे हम थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें एक स्पेशल तड़का लगाएंगे जिससे और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे ये। इसके लिए हम एक पैन लेंगे, उसमें 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे, चटकी हींग और 1/2 टीस्पून हम डालेंगे सरसों का दाना और इन्हें हल्का सा भून लेंगे। जब ये दाने चटकने लग जाए तब हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई लंबी अदरक डाल देंगे और थोड़ी सी बारीक कटी हुई लंबी हरी मिर्ची और 2 लाल मिर्ची लेंगे। इसको हाथ से हल्का सा तोड़ के इसमें डाल देंगे और इनको लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे।
अब हम इसमें जो हमारा फ्राई किया हुआ पनीर था वो हम इसमें डाल देंगे और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब हम इसमें थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ा सी काली मिर्ची पाउडर और बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया। अब हम इन सभी को अच्छी तरीके से पनीर के साथ मिक्स कर लेंगे। आपने देखा हमारा जो पनीर फ्राई मसाला है वो बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए अब ये भी तैयार है, अब इसको खाने के लिए इसके साथ एक स्पेशल डिप भी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल में ली है 2 चम्मच मेयोनीज। इसमें अब मैं डालूंगी 1 टीस्पून टमाटो केचप और 1 चम्मच ही इसमें ग्रीन चिली सॉस, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और सीजनिंग। अब हम इन सभी को आपस में मिक्स कर लेंगे। जो हमारी स्पेशल डिप है वो बन के तैयार हो गई। आप इसे किसी और स्नैक्स के साथ भी, सैंडविच के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं पनीर फ्राई मसाला को। जब भी आपके यहाँ कोई पार्टी हो तो आप इसे एज ए स्नैक्स बना सकते हैं, एज ए स्टार्टर भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये सभी को बहुत पसंद आएंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं आपको एक इसे तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से कितना ही सॉफ्ट बना है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे इंजॉय कीजिए। होप ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अलविदा।